हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि तीनों एक जैसा लगता है, ट्रेनिंग भी, एजुकेशन भी और डेवलपमेंट भी। तो इस पॉइंट को हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं, फोकस एंड पर्पस। तो पहला हमारा हेडिंग है फोकस एंड पर्पस में ट्रेनिंग क्या है। प्राइमरली फोकस ऑन enhancing specific skill and job related competencies, it aim as to improve the performance in the current role। मतलब ट्रेनिंग में क्या होता है, प्राइमरली फोकस जो हमारा होता है वो होता है कि आपको इस लायक बना दिया जाए कि आप जिस काम के लिए आए हो, जिस काम के लिए आपको हायर किया गया है, वो काम आप बेटर तरीके से कर सको। तो यहाँ पे आपके करेंट रोल पे वर्क किया जाता है या आपका करेंट रोल अच्छा हो जाए। अब आते हैं एजुकेशन। एजुकेशन हैज़ ब्रॉडर फोकस ऑन द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड एकेडमिक लर्निंग ऑफ एन एप्लीकेशन टू अ वाइडर रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट बियॉन्ड द इमीडिएट जॉब रिक्वायरमेंट। मतलब एजुकेशन का मतलब, जैसे आप स्कूलों में पढ़ते हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, तो वहाँ पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, एकेडमिक लर्निंग दी जाती है, उसको हम एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, तो थ्योरी बेस पर सब चीज़ें आपको सिखा दी जाती हैं कि आपको ये जानकारी ऐसे हो जाए। उसके बाद डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट इनकम्पासेस अ मोस्ट होलिस्टिक अप्रोच एम एट ओवरऑल पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ इफ इट फोकस ऑन प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल फॉर फ्यूचर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब डेवलपमेंट क्या होता है, जो बड़ी कंपनी होती है वो कंपनी अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी देती है, एजुकेशन भी देती है, डेवलपमेंट भी देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो आपको जो प्रेजेंट जो काम कर रहे हो वो तो आपको सिखाती है, लेकिन आपको और नए काम भी सिखाती है ताकि आप अपने करियर में ग्रो कर जाएं। ठीक है, आपको कहीं क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉई बड़े लेवल पे काम कर रहा है और उसको लग रहा है कि हम खाली कंपनी में काम कर रहे हैं और मेरा ओवरऑल प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो बड़े लेवल पर वो कंपनी छोड़ के जा सकता है। तो कंपनी उन सारे एम्प्लॉयज़ को होल्ड करने के लिए डेवलपमेंट का प्रोसेस करती रहती है, कुछ नए स्किल, कुछ नई चीज़ें जो जॉब से थोड़ा सा हटके या फिर जॉब से रिलेटेड भी है लेकिन एक नई स्किल है, तो कंपनी वो चीज़ें उसको सिखाती रहती है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होता रहता है और कंपनी में वो लंबे समय तक काम करता है। नेक्स्ट आते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में क्या है, ट्रेनिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कंपनी ट्रेनिंग आपके लिए प्लान करेगी तो 15 दिन, 20 दिन, 30 डेज, 40 डेज, इतना ही। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। क्यों? क्योंकि जो टास्क आप करने जा रहे हो उसमें आपको दिक्कत नहीं है, वो आपको सिखाने के लिए होता है। पहले से आप वो टास्क जानते हो, आपको पता है, लेकिन आप अपने इस नए कंपनी में फैमिलियर हो जाओ मशीन से, लोगों से, इसलिए आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा समय का नहीं होता, मैक्सिमम 30 डेज, 60 डेज, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और एजुकेशन क्या है, कैन बी शॉर्ट फॉर शॉर्ट और द लॉन्ग टर्म फोकसिंग ऑन द बिल्डिंग एंड द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज ओवर टाइम। तो एजुकेशन शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। ठीक है, किसी की बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, आप बहुत लंबे समय तक उस पर रिसर्च कर सकते हो, या फिर आपने केवल शॉर्ट टर्म ही टाइम उसको समय दिया और फिर आप स्विच कर गए, तो ये आपका एजुकेशन हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ मोर एक्सटेंड प्रोसेस ऑफ एन स्पेनिंग द इंटायर करियर विच अ फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। अब डेवलपमेंट जो होता है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। इसमें होता है क्या है, आपके करियर को, इंटायर करियर को कैसे फ्लरिश किया जाए, कैसे आपको और नई चीज़ें सिखा दी जाए ताकि आप अपने करियर पाथ में और आगे बढ़ो, तो ये होता है डेवलपमेंट। तो बहुत ही अच्छा डिस्टिंग्विश किया गया है इस बुक में, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, ISC बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय AK गुप्ता। अगर आपको और डिटेल में, जैसे MCQ पढ़ना है, हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो बहुत ही अच्छी बुक है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अमेज़ॉन के वेबसाइट पे, amazon.in पे आपको जाके केवल बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय AK गुप्ता सर्च करना और ये बुक आपको ईज़िली मिल जाएगी, और बहुत ही सस्ती किताब है, आप ईज़िली इसको एक्सेस कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि आपका MCQ स्ट्रांग हो गया तो आपके 16 मार्क्स के जो MCQ आते हैं वो तो अच्छा हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपके टॉपिक भी और स्ट्रांग हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेबिलिटी। ट्रेनिंग डायरेक्टली लिंक टू द जॉब स्पेसिफिक टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रेनिंग जो होता है वो स्पेसिफिक किसी टास्क से रिलेटेड होता है,
जैसे एग्जांपल, अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसको मैं ट्रेनिंग दूंगा तो क्या ट्रेनिंग दूंगा? कंप्यूटर में कैसे कौन से सॉफ्टवेयर को चलाना है, कैसे करना है, ये बताया जाएगा। मतलब जो टास्क के लिए वो आया है उसी से रिलेटेड उसको चीज़ें सिखाई जाएगी। लेकिन एजुकेशन में क्या है, एज अ ब्रॉडर एप्लीकेबिलिटी बियॉन्ड द इमीडिएट जॉब कंट्रीब्यूटिंग टू द जनरल नॉलेज एंड द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। एजुकेशन में आपको ओवरऑल डेवलपमेंट आपका किया जाता है, मतलब कि आपको जनरल नॉलेज भी दी जाती है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सिखाया जाता है, प्लस उसके इमीडिएट जॉब और उसके अलावा भी और भी चीज़ें आपको एजुकेशन में सिखाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, तो यहाँ पे हमारे पास समय ज़्यादा होता है तो ईजिली हम इसको समझा लेते हैं। और डेवलपमेंट में क्या है, ये आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। मतलब आप अपने कंपनी में तो काम कर ही रहे हो, लेकिन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि मुझे कंपनी स्विच करनी है या फिर अपनी कंपनी में दूसरे किसी वर्टिकल में काम करना है, तो उसमें आपको हेल्प करता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जैसी सुविधाएं केवल बड़ी कंपनीज में आपको मिलती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ को होल्ड करना होता है, तो वो डेवलपमेंट की फैसिलिटी उनको देते रहते हैं और एम्प्लॉयज़ भी होल्ड रहते हैं, उनको भी लगता है चलो मैं सीख रहा हूँ, कुछ नया भी सीख रहा हूँ। नेक्स्ट है मेथड एंड टेक्निक। ट्रेनिंग ऑफन इन्वॉल्व हैंड ऑन प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्टिमुलेटिंग एंड जॉब स्पेसिफिक सिनेरियोस। मतलब ट्रेनिंग में क्या होता है, हैंड ऑन मतलब आप उस काम को करके सीखते हो, आप वहाँ पे लाइव प्रेजेंट रहते हो, उस काम को करके सीखते हो, तो ये होता है ट्रेनिंग। एजुकेशन में क्या है, यूटिलाइज डाइवर्स मेथड्स सच एज लेक्चर, रिसर्च, थ्योरेटिकल डिस्कशन। तो एजुकेशन आप लोग जानते ही हो, जैसे क्लासरूम में लेक्चर्स होते हैं टीचर्स के, रिसर्च पे कोई बात हो गई, थ्योरेटिकल डिस्कशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन करा दिया, ये सब आपके एजुकेशन में आता है। और डेवलपमेंट में क्या है, इनकॉर्पोरेट अ मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस, मेंटरशिप, कोचिंग, एक्सपोज टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या है कि आपको मेंटरशिप, मतलब बाहर से नए नए ट्रेनर्स हायर किए जाते हैं, आपको वो नया काम सिखाया जाता है, प्लस आप अपने कंपनी के और भी वर्टिकल्स पे और भी डिपार्टमेंट पे काम कर सकते हो। जैसे अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो तो वहाँ से शिफ्ट होकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में भी सिखाया गया। तो इसीलिए डेवलपमेंट आपके अंदर डाइवर्सिफिकेशन, मतलब नया नया काम करने का एक ऑप्शन क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट आते हैं आउटकम एंड मेजरमेंट। ट्रेनिंग मेजर बाय इमीडिएट इम्प्रूवमेंट इन द जॉब परफॉर्मेंस एंड द स्पेसिफिक स्किल एक्वाइजेशन। मतलब ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप जो काम कर रहे हो आपको सिखाया गया, अब आपको मेज़र करना है कि आपको काम आया कि नहीं आया। तो हमने किया क्या, हमने आपका काम देख लिया, अगर आप काम सही से कर रहे हो, रिजल्ट्स आपके अच्छे आ रहे हैं, अगर वो काम आप अच्छे से कर पा रहे हो तो मतलब आप, मेरी ट्रेनिंग एकदम सही है, आपको समझ में आ गया। लेकिन एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन इज़ ऑफन असेस्ड टू द एकेडमिक अचीवमेंट, ग्रेड्स एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो एजुकेशन को जज करने का एक ही तरीका है, आपके एकेडमिक्स, आपके नंबर्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम्स में नंबर कितने आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ देख के हम एजुकेशन के बारे में पता कर सकते हैं। और डेवलपमेंट में क्या है कि इवैल्यूएट द ओवरऑल ग्रोथ, अडेप्टेबिलिटी एंड रेडीनेस फॉर द हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपका कैसे पता चलेगा कि आप नई चीज़ को कितना जल्दी अडॉप्ट कर ले रहे हो, ठीक है, आप कैसे कैसे कंपनी में बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अडॉप्ट कर ले रहे हो, तो अगर ये सब चीज़ें आप करो तो मतलब आपका डेवलपमेंट हो रहा है। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू।